नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। टुडे आवर टॉपिक इज वर्कशीट नंबर 71 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। दिस वर्कशीट इज फॉर 18th जनवरी 2022। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन पार्ट 1, दैट मींस न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट मींस चैप्टर नंबर 11। This is very important chapter for you because it is scoring or it is very easy to understand। ये बहुत आसान है समझने के लिए। यदि इसके सभी तरह की जो बनावट कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है एक बार समझ लिए तो इसके सारे नंबर आप प्राप्त कर सकते। ये जो एस ए टू का पेपर होगा उसमें 3 से 4 नंबर में ये सवाल आएंगे। तो आइए हम इसको देखें, समझें और करने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले दिया हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमें एक लाइन दिया गया होगा, लाइन सेगमेंट दिया गया होगा जो इतने सेंटीमीटर का और या इतने का आपको लाइन लेना है। अब उसका लाइन का हम ए बी नाम जो देना चाहें वो दे सकते, ए है और बी है। ये स्केल की सहायता से आपको लेना है। अब क्या करना है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, जिसमें आप पेंसिल लगा सकते हैं और एक सिरा नुकीला होता है जिसको आप कंपास कहते हैं। तो कंपास में इसका आधे से अधिक, कंपास जो है उसके ये वाला हिस्सा आधे से अधिक, यानी ये जितने का दिया गया होगा आधे से अधिक, यानी आपको दिख रहा है इतना मुंह खोल करके हम क्या करेंगे, एक बार इसको केंद्र मानते हुए, सेंटर मानते हुए ऊपर और नीचे की ओर निशान लगाएंगे, ऊपर और नीचे की ओर निशान लगाएंगे, और दूसरी बार यहाँ इसको केंद्र सेंटर मानते हुए ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। जहां पे ये दोनों कट जाएगा उसको इस तरह से मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी ये एक तो इसका हाफ कर देगा, दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ पे ओ दे दीजिए तो ए ओ इजकल टू ओ बी हो जाएगा, साथ ही ये एंगल और ये एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये भी 90 इधर यदि करते तो ये भी 90, इस तरह से हो जाता है। तो आइए इसको और भी दिया गया, यहाँ पे दिया हुआ टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट वी ड्रॉ आर्क्स बाय टेकिंग एंड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब जो हमने बताया वही दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट, टू पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और लेंथ में, एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन सेगमेंट, और इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी परपेंडिकुलर एट या ओ सी परपेंडिकुलर एट ए बी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तरह एग्जाम्पल के द्वारा हम करने का प्रयास करते सीखते हैं। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 9.5 सेंटीमीटर का हम लाइन ले लेंगे, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो 9.5 का हमने ले लिया। अब यहाँ इसके मोर देन हाफ लेकर के, रेडियस लेकर के यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा प्रकार का रखेंगे और ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे। दूसरी बार पर पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, जहाँ पे दोनों कट जाएगा उसको मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अब आप नामांकन दे सकते हैं, ये सी पॉइंट हो गया, ए डी हो गया और ओ पे ये मिल रहा है। तो इसी प्रकार अगला दिया हुआ है चिल्ड्रेन यू नो दैट अ ट्रायंगल हैज अ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ट्रेंगल बनाने के लिए आपको पता है जो कि ट्रेंगल में जो होता है
तीन एंगल होता है और तीन साइड होता है। तो आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कंग्रुएंट करना, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 में, तो उसी के तहत आप देखिए क्या क्या सीखे थे। या तो आप तीनों भुजा दिया गया हुआ तब आप बना सकते हैं, यानी थ्री साइड दिया गया हुआ तब आप उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते उसी नियम के आधार पर, या दो साइड और बीच का एंगल दिया हुआ हो, टू साइड एंड्स एंगल बिटवीन देम, तो भी बना सकते हैं, या दो एंगल और बीच के साइड दिए हुए हो, टू एंगल एंड साइड बिटवीन देम, तो भी बना सकते हैं, और राइट एंगल में आपको राइट एंगल दिया गया होगा, यह दिया गया होगा, कोई एक लाइन दिया गया होगा और हाइपोटेनियस दिया गया होगा, द हाइपोटेनियस एंड द लेग और ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए एग्जांपल 2 देखें, उसमें आपको दिया हुआ है जो कि कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रेंगल ऑफ 5.5 सेंटीमीटर, जिसमें इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होते हैं, तो आपको 5.5 सेंटीमीटर का ए बी, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर का आपको लेंथ ले लेना है। अब कंपास का मुंह खोल करके, इतना बड़ा मुंह खोल करके ऊपर, मतलब एक बार सेंटर, इस क्योंकि इक्वल लेंथ चाहिए तो इसको सेंटर मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, और एक दोबारा फिर इसको सेंटर मानते हुए उसी लेंथ से ऊपर निशान लगाएंगे, जहाँ पे ये कट जाएगा उसको मिला देंगे, तो ये थर्ड साइड हो जाएगा, ये सी यानी ए, ये 5.5 है, ये भी 5.5 और ये भी 5.5, इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। आइए अब ट्राई और सेल्फ में कुछ सवाल दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करें। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR, ये साइड दिए गए हैं, तो आप रफली के लिए एक रफली भी बना लें जिससे आपको ये पता रहे जो कि किधर कौन सा साइड कितने सेंटीमीटर का है, जो सही डायरेक्शन देता है। तो रफली बना लिए, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, पी क्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये 4 हो गया, ये भी 4 दिया हुआ है, ये 3.4 यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आप क्या करें क्यू आर बना लें 3.5 सेंटीमीटर का, ये हम 3.5 सेंटीमीटर का ये क्यू और ये आर है। अब 4 सेंटीमीटर का हम कंपास का गैप 4 सेंटीमीटर का रखेंगे, 4 सेंटीमीटर, अब एक बार इसको सेंटर मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, फिर दोबारा इसको सेंटर मानते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, जहाँ पे दोनों कट जाएगा ये 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और थर्ड साइड लिख देंगे ये हो जाएगा पी, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये कौन सा, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो ये जब दो साइड इक्वल होते हैं तो आइसोसेलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है 10.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले ले, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें, तो स्केल की सहायता से 10.3 सेंटीमीटर का हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया ए और ये दे दिया बी। अब क्या करें, इसके मोर देन हाफ लेकर के, यानी इतना मुंह खोल करके ऊपर और नीचे निशान लगाए, जहाँ पे ऊपर और नीचे आर्क लगाए, और फिर इसको सेंटर मानते हुए इधर ऊपर और नीचे आर्क लगाए, इसको आप नाम भी दे सकते हैं और इसको आप इस तरह से मिला दें, ये नाम भी दे सकते हैं, ये हो गया एक्स और ये वाई, और इधर सी पॉइंट दे सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 10.3 दिया हुआ था। ठीक है, कई बार मेजर करने के लिए भी आते हैं तो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ 4.3 सेंटीमीटर का आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो आप 4.3 पहले तो आप यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर का आप ना कुछ भी दे सकते ए बी, और इतना ही मुंह खोलते हुए कंपास का ऊपर और
यहां से सेंटर लेते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे और यहां से सेंटर लेते हुए ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। जरूरी नहीं है जो ऊपर की ही ओर बने, नीचे भी बना सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये इस तरह से हम ये जो दूसरा अब जो छूट गया था ए बी सी, यहाँ पे दे दे, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इस तरह से हम ट्रायंगल बनाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।